जी अंदर ला जाओ। इतना तो हो कि ताकि आपको भी पता चले कि ये इंतजार क्या चीज होती है।
ठीक है, आप चार पांच घंटे बिठा के उसके बाद देते कहे खाना, हमने तो जितनी देर बिठाए रखा हमने वैसे तो नहीं यार, आप चुप करके बैठे रहे, आपका जनाब के अकाउंट भरता रहा। अगर आप आज एक अजीम आशिक रसूल और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हजरत किबला फखर सादात जीनतुल अतिया नादिश सादात दी इज्जत दी इकराम जनाब हजरत मुफक्कर इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब जीलानी दामत बरकात कुदसिया, उनका जो अल्लाह ताला ने आपको बहरे फैज बनाया, मैं समझता हूं कि इस गांव में उसकी एक नहर जारी हो गई। अगर आप ये मदरसे मुझे हजरत ने उन्वान दिए कि क्यों बनते हैं और मदरसे तो बहुत सारे हैं, हम किधर रुख करें, और मेरी एक आदत है और मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर किबला फखर सादात आकाई सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातहुम कुदसिया, आपका एक नसीहत बड़ा मरफूज मुझे याद है कि बेटा अपनी मर्जी से नहीं बुलाने वालों की मर्जी से बोला करो। और वो अलग बात है कि कई जगह थोड़ी सी बेदबी यूं हो जाती है कि जहां पर हम जाए और हमें मुहर्रम में भी कई लोग कहते हैं कि खैर है वो जिक्र करो, तो हम कहते हैं यार अली के बेटों का जिक्र मुहर्रम में भी ना करें, वहां कुछ हम अपनी मर्जी कर जाते हैं। तो बाकी कोशिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे हुक्म हो उसके मुताबिक। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत खलील, मुझे वक्त का भी एहसास है, मैं चाहूंगा कि मैं मकसूदी चीजें आपके सामने अर्ज करूं, वगरना मैं भी कादरी या जीलानी या इन नस्बतों को मैं छोड़ के जा रहा हूं, यानी मैंने इनका बयान किया नहीं, वगरना एक नए से नए उनवान यहां बैठ के मुझे जहन में आया। और अभी तो खाजगान जनाबे हजरत गौसुद्दीन के दरबार से एक शख्स हाजिर हुआ, वो एक अलग उनवान है, बड़े बड़े उनवान आते हैं, लेकिन मुझे जो लास्ट टाइम भाई साहब ने हुक्म दिए मैं उसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सैयदना खलील, अल्लाह ने हुक्म दिया तो आप एक वीराने में तशरीफ ले गए, एक खुद हैं तो साथ आपके बेटे जनाबे हजरत सैयदना इस्माइल। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों मेरा घर बनाओ, तुम दोनों मेरा घर बनाओ। वीराना है, कोई आबादी नहीं है, कोई जनाब आसार ही नहीं है आबादी के, हैरान हो गए जनाब क्यों। मेरे रब्बे कदीर ने उस घर की तामीर का मकसद बयान फरमाया, लिख तो जनाबे हजरत खलील ने फिर अर्ज की, या अल्लाह यहां बंदा ही कोई नहीं, और मैं यहां हवाले नहीं दे रहा, मेरी ताकत है जो
क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी वो मिल जाए ना थोड़ी इंफॉर्मेशन कि कोई मुनकर शुनकर है तो फिर मैं रगड़ा दूसरा देता हूँ। लेकिन साहबों ने मुझे पहले ही बता दिया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही नबी के आशिक हैं, इसलिए मैंने बात दूसरों की करनी नहीं, अपनी मोहब्बत की गुफ्तगू आपके सामने रखनी है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनको चाहूंगा, उनसे मैं मुल्तमिस हूं कि जरा उनकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। तो जनाबे हजरत सैयदना खलीलुल्लाह आपने अर्ज की अल्लाह बंदा ही कोई नहीं है, तवाफ कौन करेगा, एहतिकाम कौन बैठेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे खलील तेरा काम है बनाना, मेरा काम है बुलाना। बंदे बुलाना मेरा काम, पता चला ये आने वाले खुद नहीं आते, बुलाए जाते हैं, मैं बुलाऊंगा। देखे ना नाजम साहब कितने दूर गए थे, बुलाया गया तो आ गए। मकसद ये है कि ये तौफीक अल्लाह देता है, अल्लाह ने कहा मैं बुलाऊंगा, तू तेरा काम है बनाना। अब अगली बात सुनो, बन गया काबा, काबा बन गया, तो अल्लाह के खलील ने कहा अल्लाह जी बुला, यही मैं समझा रहा हूं, तवज्जो करना, बोला मैंने बना दिया तेरा घर, बोला अल्लाह ने फरमाया सूरह हज वअज़्ज़िन फिन्नासे बिलहज यातूक रिजालम वअला कुल्ले दामिरिन यातूक यातीना وَعَلِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللہ کریم نے حکم دیا او میرے خلیل पहाड़ी पे खड़ा हो जा, लोगों को बुला। अब मैं यहां आपका तवज्जो बना ध्यान में क्या हुआ, तवज्जो कर रहे हैं जनाबे खलील अर्ज कर रहे हैं अल्लाह तू बुला, अल्लाह कह रहे तू बुला। क्योंकि पहले मुआहिदा क्या हुआ था यार, मैं बुलाऊंगा, समझो मैं बुलाऊंगा, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, रुक रहा हूं ताकि कुछ समझ आए। अल्लाह का मुआहिदा ये था खलील से, बनाना तेरा काम, तो जब बन गया अल्लाह ने कहा तू बोला, तू बोल दिन फिन्ना ऐलान कर लोगों में, आओ आओ हज के लिए, आओ तवाफ के लिए, आओ अल्लाह के घर को आवाज करने के लिए, तू बोलेगा। इस्तेमाल करो अल्लाह जी वादा तेरा था मैं बुलाऊंगा, तो ये खलील को दरमियान में क्यों फरमाया मैं अपने घर बुलाता हूं पर डायरेक्ट नहीं बंदों को बीच में बांध के बुलाता हूं। मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा चेक करता हूं इजमा को कि आप किस जो है ना वो मयार के लोग हैं, तो यार जहां शेख तरीकत और मुफक्कर इस्लाम के परवरदा लोग बैठे हो तो मुझे कम से कम इतनी हल्की दाद की मुझे तवक्को नहीं थी कि जब मैं आपको इतना नुकसान दे रहा हूं आप इतना हल्का से सुबह अल्लाह करे प्यार से कीजिए जरा। तो आप फिर तवज्जो करो, बुलाऊंगा मैं, सुभान अल्लाह, चाहूं तो कान से पकड़कर मेरा फरिश्ता उठाकर ला सकता है और मेरे खलील तू बोलेगा, ताकि कायनात के अंदर ये कानून बन जाए के बुलाता मैं हूं पर बीच में वास्ता जरिया वसीला कभी मेरे खलील का होता है कभी मेरे हबीब का होता है। जनाबे खलील खड़े हो गए, अच्छा फिर अगला सवाल तो फिर वही है
अल्लाह जी बंदा ही कोई नहीं, आवाज क्यों नहीं ना। मुझे अब कोई कह दे वीराने में जाओ पहाड़ी पे खड़े हुए लोग बुला, तो मैं कहना ना हजरत साहब बंदा ही कोई बुलाऊंगे। लेकिन ये खलील है, ये दरबारे खुदाबंदी के मामला को समझता है। खड़े हो गए पहाड़ी पे, आवाज लगाई आ जाओ लोगो अल्लाह के घर की तरफ, आ जाओ हज की तरफ। इमाम राजी, अल्लामा हकी, इमाम सुयूती, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और फिर मुहक्किक अल इतलाआत, मुहद्दिस देहलवी, और मुहद्दिस देहलवी वो बंदा है कि ये जो भाभी तीन है ना, ना लेना पैदा है वरना तो मैं उन्हें कर छड़ता। इनके पीरो मुर्शिद थानवी साहब कहते हैं कि ये जो मुहद्दिस देहलवी है ना, इसको मुकाम हुज़ूरी हासिल था। मतलब क्या, ये जो बात करता नबी से पूछ पूछ के करता था। अल्लाह ने उनकी आवाज को पूरी कायनात के अंदर, मां के पेटों के अंदर और आलम अरवाह में रूहों को सुना दिया। उस आवाज को सुनाया मेरे रब ने, आवाज लगी है मक्के में, सुन रहे हैं आलम अरवाह में, यानी इस आलम की आवाज। मैं मुलाकात कर रहा इस आलम की आवाज उस आलम में पहुंच गई, आलम रहमे मादर में पहुंची, आलम दुनिया की आवाज, मक्के की आवाज, जिस जिसके नसीब, इमाम सय्यदी लिखते हैं, जिस जिसके नसीब में हज करना लिखा था, अल्लाह करीम ने उस आवाज को उसे पहुंचाया, उसने आलम अरवाह में कह दिया लब्बे। क्या कह दिया लब्बे। उधर आवाज लगी जबले भी कबीस पर खड़े होकर, खलीलुल्लाह की आवाज, सुन रहे आलम अरवाह में रूहें, मां के पेट में बच्चे, करीब करीब मीलों दूर बंदा ही कोई नहीं, तो जो सुन रहे हैं मीलों दूर, मुल्कों दूर, बरयाजमों दूर, बल्कि आलम बदल के सुन रहे हैं। तो मैंने पूछा ये कैसे सुना, तवज्जो करो, कैसे सुना, आवाज लगी अल्लाह ने सुनाया। मैंने कहा फिर मानो ना, जब रब सुनाए तो मक्के की आवाज आलम अरवाह में मैंने भी सुन ली, तुमने भी सुन ली, नाजम साहब ने भी सुन ली, मौलाना साहब ने भी सुन ली, तो जब मक्के की आवाज मैं और तू आलम अरवाह में सुन रहे थे, क्यों अल्लाह सुना रहा था, तो जो अल्लाह आलम अरवाह के अंदर इस आलम की आवाज को, मक्के की आवाज को पहुंचा सकता है, क्या वो गुलाम के दरूद और सलाम की पुकार को मदीने में महबूब को नहीं सुना सकता। हम यहां से मक्के वालों में, अच्छा मैं एक सवाल करता हूं इसका साथ, ये जनाबे खलील ने हुक्म पे दुआ मांगी थी, ये तबीयत में तबीयत आई ना, आपकी तबीयत आई के दुआ मांगनी चाहिए, जब बंदे ही कोई नहीं है वहां, यार समझे हो, बंदे ही नहीं है तो खलील अल्लाह दुआ मांगे, या अल्लाह इन में भेजना, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह के खलील बंदा ही कोई नहीं है तो किन में भेजना, फरमाया तेरी नजर में नहीं, मेरा इल्म वहां देख रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो आगे की दुआ मांग, या अल्लाह इन मक्के वालों में
एक शानों वाला रसूल भेज। मैं आगे बिल्कुल नहीं जा रहा, बस किसी पे जल्दी जल्दी मैं कुछ तो क्लोज करता हूँ। शानों वाला रसूल भेज, वो अलग बात है कि किसका तर्जमा किया शानों वाला। ये रसूल लन के ऊपर दो जबरे हैं, इनको कहते हैं तनवीन, और तनवीन भी शान वाली। और इसीलिए मेरा खड़ी का पीर बोला ना, जबरा उनके सामने उन मक्के जिन में वो आया, उनके सामने वो तेरी किताब की आयतें पढ़े। मिशन है रसालत, रिसालत का मिशन जो बयान कर रहे हैं कुरान, वो देखो कुरान की आयतें तिलावत करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, तिलावत करके फिर इन्हें इलम दे। हफ्ते छोड़ के जा रहा हूं, सिर्फ ट्रैक जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। इन्हें क्या करे, इल्म सिखाए, हिक्मत, और इल्म भी किताब वाला। हिक्मत सिखाए, दो मिशन हो गए, तिलावत करे, इलम सिखाए, किताब का हिक्मत, वही सब किए, और फिर इन्हें पाक। बस नबी की आमद के तीन मिशन, नबी की बासत के तीन काम, कुरान की तिलावत, कुरान का इलम, और पाक करना। यार आपका जोर इतना ही मर गया है, थोड़ा आप जो खसाउंड की कमी आप पूरी कर देता, ताकि बस समझ ही ना है कि आप क्या हो रहा है। इश्तियाक साहब मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, और रिश्ता उन्होंने बता दिया हमारा रिश्ता, और मैं हमारा बिल्कुल मेरे मुर्शिद की तरफ से और मेरे उस्तादों की तरफ से हमारी तालीम ही है। हम न किसी की पगड़ी से खायब होते हैं, न किसी के जुब्बे से हमें डर लगता है, न किसी की गाड़ी देख के हमें कुछ हो जाता है। कसम अल्लाह की, दिल उधर झुक जाता है जिधर मौला अली का प्यार दे। हमारे मोहब्बतों का मायार आले रसूल का प्यार, यानी कोई कितना बड़े से बड़ा हजरत, मैं आपको सुना दूं कि जेल में मैं चल गया तो एक साहब ने बैठ के तकरीर कर रहा था, तो मेरा तो एक मिजाज है, मैं जब तक अली अली न करूं मुझे रोटी असर नहीं होती है। मैंने अली अली किया तो हजरत साहब के काफी सारे मुरीद थे, बड़ा हल्ला हु हु हा हक हु काफी मचा हुआ था। तो मैंने जब किया, उन्होंने साथ उन्हें कुछ आजम नहीं हुई मामला, उन्होंने कहा जी बस कुछ और भी है। मैंने कहा इसके अलावा भी कोई और जिक्र है, वैसे तो हमारा अपना मिजाज है, वैसे तो हम जब शान सहाबा बयान करते हैं ना तो मजा आ जाता है। शान सिद्दीक अकबर हमारा ईमान है, शान फारूक आजम हमारा अकीदा है, शान उस्मान ज़ुलकरनैन ये हमारे ईमान की जरूरत है। लेकिन याद रखो, इन सारों का जिक्र तब रंग पकड़ता है जब अली का नाम साथ शामिल हो रहा है। भाई ने मुझे एक हुक्म दिया कि शिकायत नहीं करनी, और मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं शिकायत कर, लेकिन कई दफा फिर वो जब मामला हो जाता है फिर बंदे को कुछ थोड़े नस कहने पड़ते हैं, तो मैं इनसे माफ़ रखा हूं कि थोड़ा ही माइंड ना करें, क्योंकि हमारा एक मजबूरी। तो मैं बात कर रहा था नबी की आमद के, नंबर एक कुरान की
नंबर दो इलम, नंबर तीन बात करने, तीन काम अल्लाह ने मिन्नो अन खलीलुल्लाह की दुआ को कबूल की। दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने वापसी जो जिसको कहते हैं ना आगे से रिस्पांस रिटर्न, वो जो जवाब मिला वो क्या है? जवाब आ गया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह करीम ने ऐलान किया لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا अल्लाह ने एहसान किए मोमिनों में इज बास फी हिम करो उन्होंने क्या कहा था रब्बना वबास फी हिम उन्होंने भी हिम कहा था। रब ने भी जब दुआ कबूल की तो अल्लाह ने क्या फरमा लगद मन्नता वल मोमिनीन इज बास फी हिम मैंने मोमिनों पर एहसान किए जब उनमें पता चला जब रसूल आ रहा है ना उस वक्त मोमिन मौजूद है। उस वक्त कोई मोमिन ऐसे हैं जिन में रसूल आ रहा है जिन अब लिस्ट वही ढूंढे। अगर हमसे पूछते हो तो हमें तो इतना पता मेरे रसूल ने फरमाया आदम से लेकर अब्दुल्ला तक मेरा सारा जद पाक है, आमना से लेकर हव्वा तक मेरी पूरी पूरी जद्दा। तो आने वाला मोमिनों में आया, मोमिनों में आया, मैं आया। पता चला जिनके घर में आया वो भी मोमिन, जिनकी गोद में आया वो भी मोमिन। तो कम अज कम मेरे पास तो बाबा वो मयार नहीं कि मैं अली के बाप अबू तालिब को काफिर कह सकूं क्योंकि नबी पला ही मेरे अबू तालिब की गोद के अंदर है। इसको जो परेशानी हो होता ही रहे इसलिए कि फकीर का अपना मिजाज है। जब हम बोलते हैं तो दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं करता, हाथ बांध के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह का करम है ये मौला अली की निगाह विलायत का सदका है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि जब रब कहते मोमिनों में आया ये अजीब बात हो गई कि नबी के आने के बाद 40 साल के बाद ऐलान हुआ फिर मोमिन बने। बस सोने जो पहले ही मोमिन उनके बारे की कह रहे एक ने साहब कहने लगे हजरत अली कितनी उम्र में ईमान लाए? ये मेरे जुमे का बयान भी है वो तो मैंने बयान भी कर दिया। हजरत अली कितनी उम्र में ईमान लाए? बोल भी लगे जो एक 6 साल की उम्र में, दूसरा कह मैं सर पकड़ गया मेरे जी आप कुछ बोले। मैंने कहा यार तुम्हारी बात बिल्कुल फजूल है। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि ये क्या मतलब कितनी उम्र में ही मान लाए और बदले दे पुत्रा वो जमे ही मोमिन है। मेरी इस बात को कोई मुल्ला जुटला नहीं सकता। हुब्बे रसूल ताल्लुक रसूल का नाम ईमान। तो मुझे ये बता के नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत की किसने? की किसने है? उस अबू तालिब के तेरे ईमान पे तुझे कैसे गड़बड़ नजर आ गई उस अबू तालिब के ईमान पे कि जिस वक्त जनाबे हजरत अबू तालिब मेरे रसूलुल्लाह की उम्र पाक अभी 5 बरस है थोड़ी उम्र में या चलो जी 7 बरस है या 10 बरस है जितनी भी कम से कम उम्र 13 बरस लगा लो जितना मर्जी 72 लगा लो सॉरी मैं 5 बरस कह गया नहीं 10 बरस नहीं या 13 बरस है जितनी कम से कम उम्र है लगा लो। हुजूर को लेके गए आगे रास्ते में वो राब वाला वाक्या पेश आया।
70,000 उस वक्त के दिरहमों का माल लेके गए। उसने कहा अगर शाम चले गए ना, ये भतीजा नहीं मिलेगा, मोहम्मद नहीं मिलेगा, यहूदी इनकी एक एक निशानी से वाकिफ है, इनकी आंखों की रंगत कभी पता है, इनके मुकड़े की रानाइयों का भी इल्म है, इनके बालों की सियाही और सफेदी का भी इल्म है, इनके गोरे गोरे हाथों के निशान भी मौजूद है, इनकी पुश्त के ऊपर, इनकी पुश्त के ऊपर मारे नबुव्वत से भी वाकिफ है, इनके चलने की इनकी अदा तो रात को इंजील में मौजूद है। अगर मोहम्मद को लेके तुम शाम के मुल्क में गए, ये जिंदा नहीं आएगा। अब अबू तालिब के सामने दो चीजें हैं, या तो 70,000 दिरहम या भतीजा, या दिरहम या भतीजा। अबू तालिब ने नाव देखा ना, था दे दिया लोगों को, माल तुम ले जाओ, मोहम्मद मैं ले जाता हूं। कोई मायार होगा, मेरे पास जो मायार था वो मैंने बता दिया। अम्मी ने कहा रब्बाना वबास फी हिम रसूला। एक और बात कर दूं, मैं उन मौलवियों में से नहीं हूं जो किसी जगह कुछ और किसी जगह कुछ कहें। अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफ़िक़ तो हमारे अल्लाह के करम से, ये तो मेरे नबी ने गारंटी दी है, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़। मैं तर्जमा वो सादा तो करते हैं ना, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, नहीं करता मोहब्बत तुझसे मगर मोमिन। लेकिन मैं हसर और कसर के कानून आकर, मैंने भी अल्लाह का करम है, जूतियों ढाइयों साजा की बलागत का कानून मैंने भी हसर और कसर का मान मैंने चैप्टर पढ़ा है। तो अब माना पता है क्या होता है, जो तुझसे प्यार करे वो मुनाफिक नहीं हो सकता, और जो तुझसे बोगल रखे वो मोमिन नहीं हो सकता। प्यार करे वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, और जो तुझसे बुगल रखे वो कभी मुनाफिक नहीं है। जो कहते हैं डंगे की चोट पे कहते हैं, तो खैर मैं बात कर रहा था, अल्लाह अल्लाह ने वादा किया, दुआ क्या की थी, रब्बना वबास फी हिम रसूला। अल्लाह ने फी हिम की वो जो खाना इस तरह, वो कौन है, सुभान अल्लाह, वो कौन है कि जिन में रसूल आ रहे। अल्लाह ने क्लियर कर दिया, फरमा लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, वो मोमिन है जिनमें मैंने शान वाला रसूल भेजा और मोमिनों पे एहसान किया। अल्लाह जी एहसान क्यों किया, आए आए एक शायर कहता है मोरे, ओए तवज्जो करो अपने महबूब से, कहता है मोरे नैना में जो आन बसो तो मैं नैना ही झांक लूं, ना खुद देखूं किसी और को, ना तुम्हें देखण दूं। वो कहते हो मेरे महबूब तू मेरी आंख में आके बस जा, मैं आंखें बंद कर दूं, ना तुझे कोई देखे, ना तू किसी को देख सके, तू मेरा मैं तेरा। ये मोहब्बत चाहती है कि कुर्बत रहे, मोहब्बत चाहती है कि तखलिया रहे, मोहब्बत चाहती है कि महबूब पे किसी की नजर भी ना पड़े। लेकिन रब देखो अपना महबूब हमें दे रहा है, अपना महबूब और सिर्फ दे नहीं रहा। वैसे तो महबूबों का मोहब्बों का आलम ये होता है कि अगर किसी के महबूब पे कोई देख लो फिर आंखें ना निकाल दूं तेरी, किसी के महबूब से कोई बात कर ले हो कहते तेरी जबान ना काट दूं, किसी के महबूब से कोई हाथ मिला ले हो कहते तेरे हाथ ना काट दूं। पर वो कैसा प्यार करने वाला है यार, उसने मोमिनों पे कैसा एहसान किया। फरमाया मोमिनों मेरे यार को देखो, इससे बातें करो, इससे हाथ मिलाओ। अल्लाह जी तेरे यार से हम बातें करेंगे नाराज नहीं होगा, फरमाया नहीं हो नहीं, यह मोहब्बत का अंदाज और है, तेरी मोहब्बत का अंदाज और है। मेरे यार को देखे, मेरे यार के पास बैठे, मेरे महबूब से हाथ मिलाए, उसकी सुने, उसे सुनाए, तो मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं बल्कि दर्जे सहाबियत अता फरमा दूंगा। Allah Allah
मोमिनों पर एहसान किया, जब इन में सिर्फ रसूल नहीं शान, और ये शान वाला तर्जमा मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, ये शान वाला तर्जमा ईमान वाला ही कर सकता है। इसीलिए परेली के शहर से आवाज आती है कि सबसे सबसे करो, क्योंकि कल कबर में ये सवाल किया जाएगा, माकुम तकूलो फी हाज़र रजुल, इस शख्सियत के बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। तो उधर तुम कह दो मौला मुझे जब भी मौका मुयस्सर आता हो मैं यूं कहा करता था सबसे करता हूं, लेकिन तेरी तरतीब से मेरी तरतीब कुछ और है। खलीलुल्लाह की तरतीब क्या थी, या अल्लाह ऐसा भेज जो पहले तिलावत करे फिर तालीम सिखाए और फिर बात करे। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं ऐसा भेजूंगा जो पहले तिलावत करेगा फिर बात करेगा फिर इलम सिखाएगा। या सुभान अल्लाह की आवाज है, अल्लाह ने कहा दुआ कबूल हो गई, लेकिन कहा पहले बात फिर इलम। सोनिया ये मिजाज नबूवत है, ये मिजाज नबूवत है, पहले पाक पहले पाक फिर इलम। दिल बदअकीदगी का गढ़ बना हुआ है, दिमाग में बदअकीदगी की प्रगंधियां छाई हूं, और बंदा के मैं आलिम बनूंगा, जिसको इलम कहते हैं ना वो पहले तहारत होती है फिर इलम आता है। अगर उस इलम की झलक देखनी है ना तो शारानी को देख, अगर वो झलक देखनी है ना तो जरा राजी को देख, और झलक देखनी है ना हाय हाय जनाबे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को देख, इमाम सय्यूती को देख, मुहद्दिस देहली को देख, ये इलम की तुझे झलक नजर आए। तो बस मैं फिर पलट के आता हूँ, नबूवत के मिशन नंबर तीन अब रब नबी भेजे और साथ कह दे ऐलान करे मेरा नबी और सिर तो इलल खल के काफा, मैं सारी कायनात का रसूल बन के आया और कयामत तक के लिए रसूल बन के आया। हमेशा बंदे का नाम उसके मिशन से जिंदा होता है। क्या ऐसा हो सकता था अल्लाह नबी को भेजे और उसका मिशन नाकाम हो जाए। मेरे रब ने कहा जा मेरे यार तेरे मिशन को ऐसे जिंदा करूंगा कि ये जो तेरी तिलावत वाला मामला है ना, हर मस्जिद में दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ाऊंगा, हर नमाज में फातिहा पढ़ाऊंगा, हर फातिहा के बाद कुरान पढ़ाऊंगा, ताकि हर दुनिया के कोने कोने में जिस जगह भी नमाज पढ़ी जा रही हो तो ये क्या हो रहा है, मेरे यार का मिशन जिंदा हो रहा है। नबी के मिशन को जिंदा करने के लिए अल्लाह ने कायनात के अंदर मसाजिद को वजूद अता फरमाया, मस्जिदें बन गई,
बस के मदरसे बन गए। कुछ लोगों का कहने हम लोग मदरसों में बैन लगा देंगे और जना मदरसा बन ही नहीं सकता। अबे पागल आदमी, मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम है? बहुत अच्छे। इधर आप लोग बैठे हो, पीरे जिलानी इंग्लैंड से फोन पे बात करे, क्या हुआ है मदरसा लगा हुआ? सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है, मदरसा लगा हुआ। अबे हमारे बुजुर्गों को देखो, मेरे जो उस्ताद गिरामी हुजूर किबला सैयदना शेखुल हदीस हजरत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना ज़ियाउद्दीन शाह साहब सुल्तानपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में आम मशहूर है कि आप जमींदारी करते थे, शागिर्द किताब उठा उठा के पीछे आप हल चला रहे हैं। घर से चलते ना, किधर जा रहे? मदरसे। अब कोई क्या करते थे? बिल्डिंग है ही कोई, बिल्डिंग तो है ही कोई नहीं, मदरसा किस चीज का नाम? तो याद रखो, मदरसा उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का नाम है। अगर ये ताल्लुक किसी खेत में कायम हो गया तो उधर मदरसा, अगर ये क्या नाम है भाग राजगान में कायम हो गया तो इधर मदरसा, अगर जनाब वो उधर 22 नंबर के पास टेंच भाटा में कायम हो गया तो उधर मदरसा, कलीसिया में कायम हो गया तो उधर मदरसा, चर्च में कायम हो गया तो उधर मदरसा। वो अलग बात है कि लोगों के जहन में कुछ और माइंड आ गए मदरसे का, लेकिन वो आगे निकाल दूंगा, फिक्र न कर। आगे सुन, एक हो गया ये काम तो जनाब पूरी दुनिया में मदरसे। आजों को देखो, किताबों की किताबें बनाकर बैठ के पढ़ रहे, और वो सुफा से जब से मदरसा शुरू हुआ ना, वो तब का मदरसा शुरू हो के आज, कभी उस मदरसे का जिसको कहते हैं ना नाज में आला हैदर है, कभी उस मदरसे का मैंने नाज में आला बड़े सोच समझ के कहा है, मुतमिन तो कोई और है ना, यार सुभानअल्लाह को समझ आइए, वो कहता हूँ ये वहां का जवाब है, कभी उस मदरसे का नाज में आला करबला का शहीद हुसैन है। अब नुकसान कर रहा हूं, अब नुकसान कर रहा हूं, एक कौम आई, क्यों आए हो, कहा मदरसा उजाड़ने? क्यों आए हो मदरसा उजाड़ने? लो जनाब, उन्होंने चुन चुन के एक एक तालिब इल्म को शहीद कर, कुछ समझो, एक एक तालिब इल्म को शहीद किया। आए हाय, अब दुनिया देख रही है, यजीदी खुश हो रहे हैं, हमने नबूवत के मदरसे को खत्म कर दिया, तो नेदे पे हुसैन ने चढ़ के सुनाया, नाजाया ना अभी जिंदा है। वो असली यजीद वो नबी के मदरसे को खत्म नहीं कर सका, तो ये उसकी औलाद मदरसे को खत्म कैसे कर सकती है? जोर कीजिए, हुसैन ने जो नेजे पे चढ़ के कुरान पढ़ा ना, तो इसलिए तेरी मत मारी हुई है, नाजमियाला भी जिंदा है, कैसे बंद करेगा? आप बताना, तेरे जहन में था कि अंदर दिल दिल होगा, धड़ धड़ होगा, तो फिर कुरान पढ़ेगा। हम ऐसे नाजिम हैं कि नेजे की नोक पे भी कुरान हमें नहीं भूलता है। मौलवी मुसल्ले में खड़ा हो जाए, उसको पता चल जाए मेरे पीछे तगड़ा हस्कर है, वो नमाज में लड़कना शुरू कर देता है, वो लड़कना शुरू कर देता है, वो आगे की पीछे पीछे भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अगर किसी को मुझे जैसे बंदों को पता चल जाए, यहाँ भी बहुत बड़ा मुफक्किर आकर बैठा, हमारी जबानें लड़खड़ा जाती है, हमारे जुमले अपना हक तोड़ देते हैं, हमारी फिक्र थोड़ी सी, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा मुहक्किक बैठा हुआ है, इसके सामने कैसे बोलूं? पर कुर्बान हुसैन तेरी तिलावत के नेवे पे चढ़ के भी कुरान नहीं भूला। कोई ऐसा न मिले
दरवाजा बंद हमें नहीं पता होता था जिला मंदिर लूडो खेल रहे हैं इधर क्या कर रहे हैं बात करो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसों में आप लोगों का जहन तो ये आप लोगों का जहन है और स्कूल कॉलेज में होता है आज एजुकेशन है टीचर को मारेंगे ये मदरसों का फैजान है। टीचर सामने से खांसता है ना तालिबे इल्म हाथ बांध के खड़ा हो जाए ये इज्जत नहीं मिलती। तूने कुरान को छोड़ा तुझे इज्जत कैसे मिले। एक दिन मैं आपको सुनाता हूँ मैं जैसे मैंने अभी इस गुफ्तगू में अपने सैयद अपने शेर अपने उस्ताद जी का नाम लिया हजरत ने अपनी बार 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 अपने शेर का नाम लिया तो मैंने अपनी मस्जिद में हजारों का इजमा था मैं अपने उस्ताद जी का बड़े अच्छे लफ्जों में नाम लिया और शागिर अल्लाह भी सुन रही हुए नाम बोल रहे अच्छा तो मैंने उधर जिक्र किया तो एक प्रिंसिपल आया मुझे आकर कहते आंखों में आंसू आ कहते यार कितना अजीम उस्ताद है वो कि इतने अरसे पढ़ने के बाद वो कब से कब से कब यार इतने हजारों लोगों में उसका नाम उसके शागिर्द कितने इज्जत से ले रहे कितना अजीम उस्ताद है वो। मैंने कहा जनाब क्यों कहते हम लोग तो जाते हैं हमें तो बाहर निकल के सलाम कोई नहीं करता। मैंने कहा साहब ये फर्क है ना तुम जाते हो तो तुम्हारी नजर नोटों पे होती है तुमने तनख्वाह सीधी करनी होती है भाई तनख्वाह पूरी पूरी हो जाए तुमने वो करना होता है और जो कुरान पढ़ाने वाले होते हैं ना उनकी नजर किसी और काम पे होती है तो अल्लाह ये उनका ये हमारा कोई काम नहीं ये अल्लाह हमारे दिलों में उनकी इज्जत डाल देता है। असल इज्जत मिलती ही कुरान से है। बोलिए मैं बात कर रहा था मदरसे में आमतौर पर ये है तलबा उस्ताद किधर बैठा होता है पता ही नहीं किधर है लेकिन यार वो ऐसा उस्ताद है ना उसने मेंबर में बैठ के कह दिया नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा सल्तनतिन अला हुक्मिन तिसाली ये मत समझना कि कोई दीवार के पीछे हो गया तो जो मर्जी करे मैं फकीर मैं अल्लाह का बंदा अब्दुल कादर जिलानी मुझे रब ने वो वुसअत नजर अता की है कि मैं इधर मेंबर पे बैठ के सारी कायनात के शेरों को इस तरह देखता हूँ जैसे मुझे मेरे हाथ की अंधेरी नजर आती है। उस्ताद है मदरसे की बात हो रही है ना अब उसी मदरसे की आगे शाखें चली और मैं और बात कर दूं मैं क्योंकि निस्बत वाला हूं कादरिया निस्बत है तो मैं क्या गौसु सकलैन की बात करूं आजकल नित नए डिजाइन बनते जा रहे हैं हमारे सुनियों में भी कल एक नया फ्रॉड उधर फतूर पड़ा हुआ था मेरे पास मसला आया जनाब ये हजरत साहब कह रहे हैं हमारे पीर साहब गौस पाक से 6 गुना ऊपर है 7 गुना ऊपर है और फिर मेरे पास वो मलकुजात मक्तूबा शरीफ लेके आया मुजद्दद पाक ने जनाब दूसरी जिल्द में फरमाया मैं कहा 3 जिल्द तरफ क्यों पड़ेगा क्या मतलब मैंने कहा तीसरी जिल्द के मक्तूब 123 में मुजद्दद पाक फरमाते हैं ये जितना कायनात के अंदर निजाम है ये जो फैज़ नबूवत है ये अल्लाह ने जब पूरी कायनात में तकसीम किया तो अली के वाले